चने की इसी इनसाइड स्टोरी पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ हैं सुनील बलदेवा, जो कि चना मामलों के जानकार हैं और लगातार चने के मुद्दों को सरकार के सामने भी रखते आए हैं। आपका के जनरल सेक्रेटरी हैं एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। हमारे साथ इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन विमल कोठारी हैं। और फ्यूचर मार्केट की नब्ज को बताने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिल्मार्ट के मनोज जैन हैं और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है जतिन जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट हैं चने के, उसमें मतलब पोजीशन काटने की इजाजत दी गई है, तो अब आप ये बताएं कि जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा है चना में पहले या जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है, उनके लिए अभी क्या ऑप्शन है, क्या करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी उनको बनानी चाहिए अभी? आई थिंक जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है उनको तो यहाँ पे फेवर में रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोअर सर्किट पे अगर प्राइसेस चल रहे हैं तो यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन तो डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग पोजिशन वालों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे एक दिक्कत रहेगी, क्योंकि जब तक ये तो चेंजेस जब तक होता नहीं, क्लियरिटी जब तक आती नहीं सेबी के एंड से कि इसकी रोक जो है वो हटाई जाएगी या नहीं हटाई जाएगी, तब तक के लिए लॉन्ग पोजिशन जो वो अटक सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सेलर्स कंटिन्यूसली बने हुए हैं तो वहां पर लॉन्ग पोजिशन जो एग्जिट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। जहां पर मौका मिलता है आई थिंक अगर बहुत ज्यादा नुकसान ना हो तो एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में जहां पे ना टेक्निकली कुछ इसके अंदर लेवल्स काम करेंगे और ना ही कुछ फंडामेंटली काम करेगा, क्योंकि ये एक रेगुलेशन का एक पूरा चेंज है। हाँ। यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कि पोजीशन जो है वो बनाना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, विमल जी आपका, विवेक जी आपका, मनोज जी आपका और जतिन जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।